अष्टम पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शैनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा क्या? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनिए श्री सत्यनारायण कथा शुरू। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों के अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत और चार भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, क्या आपको किया है, किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उस मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं क्या? श्री भगवान जी बोले कि ना हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, क्या विस्तार से कहिए। भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का पूर्ण सवाया लेवे, गेहूं के अभाव से साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री शंकर भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अष्टम दूसरा अध्याय प्रारंभ। श्री सुत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वालों, भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर से पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है, क्या हे श्रेष्ठ ब्राह्मण यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आपका इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है।
ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह जो सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब वह सुनना चाहते हैं, इसलिए कि इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सुत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरी करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब उस बूढ़े लकड़हारे ने दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूरन इत्यादि लेकर सत्यनारायण भगवान की पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगकर फिर वह वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय संपूर्णम। मुनि श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि हर नारायण नारायण नारायण। बोली श्री विष्णु भगवान की जय। बोली अपने अपने माता पिता भगवान की जय। अष्टम तीसरा अध्याय प्रारंभ। श्री सुत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उसी समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वे नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित से यह आप क्या कर रहे हैं, क्या मेरी सुनने की इच्छा है, सो यह आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चय ही होगी। राजा ये सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में
प्रवृत्त होकर सत्य नारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर को देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां बड़ी खोज और देखभाल के लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। तो सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर और जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर और जमाई ठहरे थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखित हुई और घर पर जो अन्न रखा था वो चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? क्या? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य प्रातः ही छोड़ दो और सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट हो जाएगा। राजा से ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया गया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दो गुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 3rd अध्याय संपूर्णम। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण हरि हर नारायण 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 माधव नारायण नारायण हरि हर नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अष्टम 4th अध्याय प्रारंभ। श्री सुत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? क्या? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल तथा पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो,
दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने वाले पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मा आदि भी आपके स्वरूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाओ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए, उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। उसके दीन वचन को सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसके पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा, फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को जा पहुंचा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थम अध्याय संपूर्णम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण हरि हर नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण हरि हर नारायण नारायण नारायण। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय प्रारंभ। श्री सुत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन दुग्ध्वंज नामक का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा को देखकर भी अभिमान वश यहाँ नहीं गया और ना नमस्कार ही किया। ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था सब वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अपने मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होगा और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ को चले जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ।
वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नामक का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज दुग्ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय।